हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तकनीकी विश्लेषण। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने इन वीडियोज़ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाए हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैं इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर वीडियो के आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 5th है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस थ्योरी। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जमा बाकी सिद्धांत। सेकंड हमारा टॉपिक होगा रिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, रुकावट स्तर तथा समर्थन स्तर क्या होते हैं। थर्ड इसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, ब्रेकआउट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अचानक विस्तार का सिद्धांत। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं तीनों टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक क्या है, क्रेडिट बैलेंस थ्योरी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, जब नकद बाकियों का निर्माण दलालों के द्वारा होता है, ठीक है, तो यह बाज़ार में उच्च संभावनाओं को रिप्रेजेंट करता है तथा इसके उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे तकनीकी विश्लेषक होते हैं, टेक्निकल एनालिटिक्स होते हैं, वो ये हाइपोथेसिस करते हैं कि जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है उसका निर्माण जो है वो ब्रोकर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर ब्रोकर्स के द्वारा क्रेडिट बैलेंस को बनाया जा रहा है, उनका निर्माण किया जा रहा है, तो ये क्या शो करता है, ये मार्केट में जो है अप ट्रेंड को शो करता है। ठीक है, कि मार्केट जो है मार्केट में तेजी चल रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर इन्वेस्टर्स उन अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स जो हैं सिक्योरिटीज़ को अपने बेच देते हैं तो ये क्या शो करता है कि मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड जो है चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास इन्वेस्टर्स के कुछ क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपने पैसे को वापस ले ले या फिर वो उस पैसे को जो है ब्रोकर्स के अकाउंट्स में ही रहने दे। ठीक है, तो अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा ब्रोकर्स के पास क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा तभी वो छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि अगर इन्वेस्टर को री इन्वेस्ट करना हो। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि अगर इन्वेस्टर्स को री इन्वेस्ट करना हो, फ्यूचर में दोबारा से उन्हीं सिक्योरिटीज़ में उसको इन्वेस्ट करना हो, तब जो इन्वेस्टर है वो अपने क्रेडिट बैलेंस को ब्रोकर्स के अकाउंट में छोड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो क्रेडिट बैलेंस जितना बढ़ता जाएगा इन्वेस्टर का, उससे उसकी परचेजिंग जो पावर होती है वो उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर जो इन्वेस्टर होता है वो उस टाइम भी वो अपने पैसे को इन्वेस्टर्स के पास ब्रोकर्स के पास छोड़ेगा जब जो सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज हैं वो उसको पता हो, वो उसको संभावना हो उस चीज़ की कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज जो हैं वो कम होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कम होने वाले हैं प्राइजेज तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ब्रोकर्स के पास अपने क्रेडिट बैलेंस को जो है छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो है अगर जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें कमी होती जा रही है, ठीक है ना, कि अगर क्रेडिट बैलेंस में कमी होती जा रही है तो इसका रीज़न क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज़ हैं वो फ्यूचर में कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है वो उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना जो है पसंद नहीं करेगा, परचेज़ करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्रेडिट बैलेंस थ्योरी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा इसमें टॉपिक क्या है, रिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, तो रिस्टेंस लेवल क्या होता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटीज़ के उच्चतम मूल्यों को हम क्या बोलते हैं, रुकावट क्षेत्र बोलते हैं, रुकावट क्षेत्र या फिर प्रतिरोधात्मक क्षेत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल होता है, ठीक है, जो हमारा
रुकावट स्तर है, रिस्टेंस लेवल है, ये कौन सा लेवल है जिसमें सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज में लगातार जो है वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटीज़ के जो प्राइजेज होंगे वो बार बार बढ़ते जाएंगे अगर, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस बार बार इंक्रीज होंगे, इससे क्या होगा, इससे सेल में जो है, सेल्स में जो है वृद्धि होगी, सेल्स जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर सेल्स बढ़ती जाएगी तो इससे प्राइसेस में जो है गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्टेंस लेवल। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट लेवल क्या होता है, इसी का उल्टा है सपोर्ट लेवल। ठीक है, कि अगर प्राइजेज में, सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज में जो है लगातार कमी होती जाएगी तो सिक्योरिटीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो वो जो है उन प्राइजेस को ज़्यादा नीचे जाने से जो है रोक देगी। ठीक है ना, तो ये आप जो है यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये वाले दो पॉइंट हैं, ये वाले, ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं। ठीक है, और जो ये यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है बढ़ा है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, रिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट्स हमारा रिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। उसके बाद थर्ड हमारा इसमें टॉपिक क्या है, ब्रेकआउट थ्योरी। ठीक है, ब्रेकआउट थ्योरी अब क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचानक विस्तार का सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रेकआउट जो थ्योरी है वो रिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही डिपेंड करती है, इन्हीं से मिलती जुलती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जो ब्रेकआउट थ्योरी है, ब्रेकआउट थ्योरी का सिद्धांत है जो, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो उन इन्वेस्टर्स को एक संकेत देता है जो अपने स्टॉक्स को या तो बेचना चाहते हैं या फिर वो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज़ को जो इन्वेस्टर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं उनको जो है ये एक संकेत देता है। ठीक है, और जो ब्रेकआउट थ्योरी है उसको हम पुष्टिकरण के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि कन्फर्मेशन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट थ्योरी को स्टूडेंट्स हम यहां पे एक लाइन के द्वारा जो उसको शो करते हैं। ठीक है, और जो ये लाइन होती है ये क्या होता है, स्थायित्व का एक समय होता है। ठीक है, स्थायित्व मतलब कि यहाँ पे क्या है, ड्यूरेबिलिटी आप इसको बोल सकते हो या फिर स्टेबिलिटी बोल सकते हो, स्थिरता बोल सकते हो। ठीक है, कि जब शेयर्स के प्राइसेस में जो है चारों तरफ से जो है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो उस समय जो है अचानक तेजी की स्थिति बन जाती है। ठीक है, मतलब कि अचानक विस्तार की संभावना उसमें बन जाती है। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी का समय जो है जितना लंबा होगा उतनी ही शेयर्स के प्राइसेस में तेजी होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका ये सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपका रिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो अगर रिस्टेंस लेवल के ऊपर की तरफ जो लाइन ये जा रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे लगातार सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको ये तीनों टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी भी इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक थैंक यू सो मच।